हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मलाई केक बनाने की रेसिपी। मलाई केक जो कि सबको बहुत पसंद होता है, मलाई भी बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, तो आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई केक। मलाई केक बनाने के लिए हमको किन किन चीजों की जरूरत है मैं आपको पहले वो बताती हूँ। सबसे पहले मलाई केक बनाने के लिए हमको चाहिए 1 कप मैदा, 1/4 कप मिल्क पाउडर, यहाँ पे हमने ली है 1/2 कप ऑफ फ्रेश क्रीम, या फिर आप इसको मलाई भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने ली है 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टीस्पून मैंने यहाँ लिया है बेकिंग पाउडर, और मैंने 1/4 टीस्पून लिया है बेकिंग सोडा, और हमको यहाँ पर चाहिए 1/2 कप शुगर पाउडर। अब हम इसको बनाने की विधि शुरू करते हैं कि कैसे हमको ये बनाना है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, छन्नी भी ली है जो कि हम इसको यूज करेंगे छानने के लिए। सबसे पहले मुझे यहाँ पे लेना है जो कि मैंने 1/2 कप फ्रेश क्रीम ली है। सबसे पहले हम इस बाउल में इसको डालेंगे, फिर हमको इस बाउल में जो कि मैंने शुगर पाउडर लिया है, ये मैंने 1/2 कप लिया है, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। इसको अच्छे तरीके से हमको छानना है ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। फिर इसको अच्छे तरीके से हमको मिला लेना है। इसको जब तक मिला लें जब तक कि शुगर अच्छे तरीके से इसमें मिक्स नहीं हो जाती है मलाई में। यहां पर मैंने बाजार की क्रीम ली है जो कि फ्रेश क्रीम के नाम से मिलती है। आप चाहें तो इसमें घर की क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पे मेरी शुगर जो है वो अच्छी तरीके से इसमें मिल गई है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप मैदा, 1/4 कप मिल्क पाउडर, बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, और मैंने यहां पे लिया है इलायची पाउडर जो कि मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। इन सबको हम डालकर अच्छे तरीके से इसको मिला लेंगे। ये मैंने इसको अच्छी तरीके से छान लिया है और हम इसको अच्छे से अभी मिक्स करेंगे। यहां पे मैंने 1/2 कप मिल्क लिया है, अब इस मिल्क को मैं इसमें डालूंगी और इसको अच्छी तरीके से हम मिला लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके का मिक्सचर जो है हमारा तैयार हो गया है। अब मैंने यहां पे एक 6 इंच का मोल्ड लिया है, इसको मैं बटर लगा के ग्रीस कर रही हूं। यहां पे मैंने इसको अच्छे तरीके से ग्रीस कर दिया है। आप चाहें तो यहां पे बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अपने इस मोल्ड को ग्रीस कर लिया है मैदा से बटर लगाने के बाद। अब मैं अपने इस मिक्सचर को इस मोल्ड में डाल लूंगी। इसको हमको बहुत ज्यादा पतला नहीं रखना है, हमको इसको मीडियम कंसिस्टेंसी में रखना है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा ये मिक्सचर इसमें आ गया है, अब हम इसको टैप कर लेंगे। आज मैंने यहां पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, तो ये ड्राई फ्रूट्स को अब मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। ये आपकी मर्जी है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स में डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे पिस्ता, काजू और बादाम लिया है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से इसमें लगा दूंगी। अब हम इसको अच्छी तरीके से यहाँ पर लगा देंगे। ये मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स को अच्छे तरीके से इसमें डाल दिया है। आज ये जो हमारी मलाई केक की रेसिपी है, आज मैं ये बनाना बताऊंगी कुकर के अंदर। मैंने यहाँ पे ये एक 5 लीटर का कुकर लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है और मैंने एक स्टैंड रख दिया है।
इस केक को बनाने के लिए हमको यहाँ पे एटलीस्ट 40 मिनट्स मिनिमम टाइम लगेगा। 40 मिनट्स के बाद में आप एक स्टिक की मदद से इसको चेक करके देखेंगे कि ये हमारा बना है या नहीं। मैं आपको अभी ये बताऊंगी कि हमको कैसे करना है। मिक्सचर तैयार किया है, अब इसको मैं इस मोल्ड में, इस मोल्ड को हमने इस कुकर के अंदर रख दिया है। अब इस केक के मिक्सचर को मैंने इस कुकर के अंदर रख दिया है। मैंने इस कुकर की विसिल और इसकी रबड़ दोनों ही निकाल दिया है, और इस बात का भी हमको ध्यान रखना है कि इसको हमको सबसे मिनिमम गैस पर रखना है ताकि ये हमारा जो केक है अच्छे तरीके से बेक हो। अब मैंने यहाँ पे इसको 40 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख दिया है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि 40 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं अपने केक को चेक करके देखूंगी। वाओ, कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इसको चेक करके देख लेते हैं कि स्टिक से कि ये कितने अच्छी तरीके से बेक हुआ है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो स्टिक है वो कितनी क्लियर निकल के आई है। एक मींस हमारा केक बहुत अच्छी तरीके से बेक हो चुका है। अब हम इसको बाहर निकाल देंगे और इसको आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे, और आधे घंटे बाद ही हम इसको डीमोल्ड करेंगे। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा केक एकदम रेडी है और खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।